मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 8। द नेम ऑफ चैप्टर इज आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, यू कैन सी देर आर टू पर्सन टॉकिंग टू ईच अदर। Mrs. Mani, you can see Mrs. Mani is this and this is Rohan. Rohan is Mrs. Mani's son. Understand children? Or we can say Rohan's mother is Mrs. Mani. Mrs. Mani is Rohan's mother. Mrs. Mani watching Rohan pull out old newspapers from the cupboard where she had neatly stacked them for sale. Mrs. Mani क्या watch कर रही है कि रोहन क्या कर रहा है, कुछ newspaper खींच रहा है जो कि उनने अच्छे से जमा के रखा था बेचने के लिए। अचानक वो पूछती है, what are you doing? Rohan, you have made such a mess. तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने सब मिला दिए वहाँ पर? रोहन सेज सॉरी माँ बट आई नीड द न्यूज़पेपर फॉर द लास्ट वन वीक। सॉरी माँ, मैं पिछले हफ्ते का मुझको न्यूज़पेपर ज़रूरत है। आई हैव टू रीड द न्यूज़ इन स्कूल टुमारो, मुझे कल न्यूज़ पढ़ना है। न्यूज़ कैसे पढ़ना है स्कूल में, असेंबली में बच्चे न्यूज़ पढ़ते हैं। माँ आई ऑल्सो हैव टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन द गवर्नमेंट, विल यू हेल्प मी। और मुझे वो प्रोजेक्ट भी बनाना है गवर्नमेंट का, तो वो मेरे लिए हेल्प करेगा। मिसिज मानी विथ स्माइल, ऑफ कोर्स, स्माइल करके हंस के मुस्करा के क्या बोलती हैं, ऑफ कोर्स I will help you. What are you supposed to talk about? मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम किस बारे में पूछना चाहते हो? रोहन We have to speak out the main local and national news for the week. Could you just read out the headlines? I will write them down quickly. वो मम्मी से क्या बोल रहा है, अपने मदर से क्या बोल रहा है कि मुझे कल लोकल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ के बारे में असेंबली में उसको न्यूज पढ़ना है। लोकल यानी हमारे आसपास चारों तरफ, जैसे हमारे शहर ना, गांव शहर आसपास मोहल्ले में या जिस एरिया में हम रहते हैं उसके बारे में न्यूज़, या डिस्ट्रिक्ट के लेवल की न्यूज़, और जो नेशनल लेवल है पूरे ऑल इंडिया के लेवल की न्यूज़ के बारे में उसको पढ़ना था। वो पूछ रहा है आप क्या मुझे रीड करके बता देंगे हेडलाइंस, तो मैं उसको तुरंत जल्दी जल्दी लिख लूँगा। Mrs. Mani, okay, let me see. क्या बोलती हैं, मुझे देखने दो। Picking up the first newspaper and reading out the headline. वो पहला newspaper निकालती हैं front page का और reading out the headline, और headlines को read करती हैं। क्या बोलती हैं वो, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट डूइंग एनफ फॉर एडुकेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एडुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं कर रही है, शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। मिसिज मानी पॉज एंड आस्क रोहन, मिसिज मानी थोड़ा शांत रहती हैं और पूछती हैं रोहन से, रोहन डू यू रिमेंबर व्हाट अ गवर्नमेंट इज फॉर्म यू। रोहन डू यू रिमेंबर वाट अ गवर्नमेंट इज फॉर्म योर लेसन्स लास्ट ईयर, तुमको याद है कि लास्ट ईयर पिछले साल तुम्हारे लेसन में क्या गवर्नमेंट के बारे में क्या था? रोहन यस मा आई डू, हाँ मुझे पता है। अ गवर्नमेंट इज अ बॉडी दैट टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज़ अ बॉडी दैट टेक्स केयर ऑफ द नीड्स, किसकी ज़रूरतें पूरी करती है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है।
इट मेक्स लॉज एंड इंश्योर दैट पीपल फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंड। और वो क्या निश्चित करती है, नियमों को बताती है और ये निश्चित करती है कि जो भी इनकी गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है और इंश्योर दैट पीपल फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंड और ये निश्चित करती है कि सभी लोग इसका पालन करें। वी ऑल्सो लर्न इन इंडिया वी हैव थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे इंडिया में थ्री लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, द लोकल गवर्नमेंट लाइक द विलेज पंचायत एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दैट टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल एरिया। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? तो उसने क्या बताया, उसने क्या पढ़ा था कि हमारे इंडिया में थ्री लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। कितने लेवल होते हैं? थ्री लेवल। लोकल फर्स्ट क्या है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट लाइक दैट द विलेज पंचायत, जैसे कि गांव में होती है ग्राम पंचायत। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जैसे हमारे सिवरा में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका वगैरह। दैट टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल एरिया, और वो लोकल एरिया में लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे सिवरा गाँव वाँव के एरिया में लोकल गवर्नमेंट जबलपुर में। द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी स्टेट के बारे में, पूरी स्टेट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द एंटायर कंट्री, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को, पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर रहती है, पूरे देश के बारे में उसको पूरी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। ओके चिल्ड्रन, मिसिज मानी, वेरी गुड रोहन। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी दैट मीन्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट और चूज अवर ओन गवर्नमेंट। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, हमारी इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मीन्स, दिस मीन्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट और चूज अवर गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी में हम लोग, हमारे देश के लोग ही अपनी सरकार को चुनते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं। दिस गवर्नमेंट इज चूजन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, और ये गवर्नमेंट को हमको कितने सालों के लिए चुनते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में हमारे क्या आती है, जैसे सिहोरा, जबलपुर, ये लोकल गवर्नमेंट में। और यदि हम उसको आगे जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट, पूरे हमारे स्टेट, हमारे मध्य प्रदेश में स्टेट, पूरे स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का लोकल एरिया होते हैं, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्स द एंटायर कंट्री। लोकल गवर्नमेंट में टू पार्ट, पंचायत राज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। पंचायत राज गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरिया, पंचायत राज कहाँ होता है, पंचायती राज, ग्राम पंचायत वगैरह गांव में, रूरल यानी ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण इलाके जहाँ पे गांव रहते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ अर्बन एरिया, अर्बन एरिया मीन्स जैसे नगर रहते हैं, जैसे सिहोरा, कटनी, मझौली, पानमरिया, हमारे इस एरिया में इस तरह से जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ अर्बन एरिया। एवरी 5 ईयर, एवरी 5 ईयर इलेक्शंस आर हेल्ड, हर 5 साल में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शंस आर हेल्ड। द पीपल ऑफ इंडिया कैन आइदर चूज अनदर गवर्नमेंट और दे कैन इलेक्ट द सेम गवर्नमेंट बैक टू पावर। हर 5 साल में इसमें हमारे इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, और हमारे देश के लोग जो हैं या तो दूसरी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं या तो उसी गवर्नमेंट को सत्ता में ला सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट,
द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर टू मेक लॉज फॉर द कंट्री टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स एनिमी। मेन फंक्शन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? मेक लॉज फॉर द कंट्री, हमारे देश के लिए नियमों को बनाना। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स एनिमी, किससे बचाने के लिए? दुश्मनों से बचाने के लिए, मुसीबतों से बचाने के लिए नियम है। यदि कोई भी आदमी क्राइम करता है तो उसके लिए नियम है, उसको पनिशमेंट है। टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर इट मेंशन्ड इन द कंट्री। टू टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, और समाज में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए और ये निश्चित करने के लिए कि जो भी लोग इस देश के नागरिक हैं उनको मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन द कंट्री, पूरे देश में इसको मेंटेन करना है, इसका पालन करना है। द मेन लॉ मेकिंग, द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पार्लियामेंट। लॉ मेकिंग बॉडी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट में? पार्लियामेंट कहलाती है। द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ही पूरी नियमों को बनाया जाता है पूरी। द पार्लियामेंट कंसिस्ट, द पार्लियामेंट कंसिस्ट of the President of India, the Lok Sabha and the Rajya Sabha। Parliament और क्या क्या बनाती है? President of India, Lok Sabha and the Rajya Sabha। To understand children, main law making body क्या है? Central Government की Parliament है, और Parliament क्या क्या बनाती है? President of India, Lok Sabha and Rajya Sabha। So in next period, I will explain। So you have to revise once more। If you are not able to understand, you can repeat, you can watch one time, two time video। And next, the Lok Sabha is the lower house of parliament, from here I will explain। So okay children, watch and understand। Thank you।